इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। या तो मौत को गले लगाओ या विराधना को स्वीकार करो। जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि तुम्हारे पास केवल एक ऑप्शन, या तो आगे चलते हुए मौत को कबूल कर लो, या तो उस परिस्थिति में अपनी साधना को छोड़ लो और जिंदगी को चुन लो। ये समझौते के प्रसंग तो आते ही रहते हैं। वीर वही होता है जो अपनी मर्यादा को टांग नहीं लगने देता है, और ऋषभदेव अपने संतों को तैयार कर रहे थे और तैयार करते करते कहने लगे कि कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम जिनके साथ विहार कर रहे हो किसी निमित्त से तुम उनसे बिछुड़ जाओ, रास्ता भटक जाओ और कहीं बियाबान जंगल से गुजरते तुम रेगिस्तान में पहुंच जाओ। ऐसा हो सकता है। रास्ता भटकने के बाद नंदनवन आएगा कि रेगिस्तान आएगा, कह नहीं सकते। रास्ता भटकने के पहले समझ जाओ। रास्ता भटकने के बाद तो तुम्हें मन को नहीं भटकने देना है। रहा भटक ही चलेगा लेकिन मन नहीं भटकना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि तुम रेगिस्तान में पहुंच गए हो, चिलचिलाती धूप, नीचे तपी हुई धरती, पसीने से लथपथ, कहीं छांव नहीं नजर आ रही है, तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी की खोज में हो और चलते चलते तुम्हें कहीं पानी का छोटा सा झरना, छोटी सी कहीं पानी दिखता है, प्यास लगी है, पानी सामने है, पानी नहीं पियोगे तो मौत मिलेगी, पानी पियोगे तो जिंदगी मिलेगी। और कमजोर के तर्क होते हैं जिंदा रहेंगे तो साधना फिर कर लेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो साधना क्या करेंगे। एक कमजोर के तर्क है और इस तर्क के वशीभूत मत हो जाना है। वो पानी है, पीने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रोटोकॉल का नहीं है। मौत को गले लगा लेना, संलेखना पचक लेना, लेकिन पानी मत पीना। तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया, सभी साधुओं ने प्रभु को वंदन किया है कि प्रभु ऐसा बल दो कि इन संकट के घड़ियों में हम आत्मा की अमरता की साधना कर सके, इस भाव में हम पहुंच सके, एगो में सासों आपा, मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी प्यास शाश्वत नहीं है, मेरा शरीर शाश्वत नहीं है, ये परिस्थिति शाश्वत नहीं है, मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा का धर्म शाश्वत है, मैं जिस राह पर चला हूं उस राह से कभी मेरी नजर हटे नहीं, कभी मेरा मन भटे, मन सा भी न पत्ते। प्रैक्टिकल तो नहीं नहीं लेकिन मन में भी ये तमन्ना नहीं जन्मे कि मैं कभी उस राह पर उस कदम बढ़ा सकूं। मरीची भी देख रहा है, मरीची भी सुन रहा है, लेकिन मरीची उठ करके खड़ा नहीं हुआ। सभी संतों ने प्रभु से प्रार्थना करी, सभी संतों ने प्रभु से निवेदन किया, सभी संतों ने अपनी भावनाएं सामने रखी कि ऐसी घड़ी आ भी जाए
तो हमारा मन नहीं बिगड़े। और प्रभु ने सबको जहां सुहम देवानुपिया, और प्रभु के मुंह से इतना भी वचन निकल गया तो काम फत्ते हो गया है। इतना वचन निकलना चाहिए, जहां सुहम देवानुपिया। और प्रभु ये वचन तभी बोलते हैं जहां कृपा की वर्षा करनी होती है। ये शब्द ये स्वीकृति के शब्द नहीं, आशीर्वाद के शब्द होते हैं। इन शब्दों को जिन्होंने पी लिया वे मंजिल पर पहुंचे। आगम के चाहे जितने पन्ने उठा करके देखना, जब जब प्रभु के मुंह से जहां सोम दीवानों पिया नहीं निकला और उसके बाद भी कोई व्यक्ति काम करने के लिए चल पड़ा तो जमाली ही हुआ है। मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाया, चाहे कुलवालिक हो चाहे जमाली हो। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के जिसके कदम उठे हैं, नंदनवन देखते देखते रेगिस्तान हो जाता है। मरीची नहीं उठा, और मरीची उन्हीं विचारों में, उन्हीं विचारों में रात का स्वाध्याय भी करता रहा तो विचार वही चलते रहे। प्रभु ने ऐसा कहा है ऐसा हो सकता है, प्रभु ने ऐसा कहा है ऐसा हो सकता है, प्रभु ने कहा है ऐसा हो सकता है, प्रभु ने कहा है ऐसा हो सकता है। और उन्हीं होने की संभावनाओं के बीच वो नींद के आगोश में खो गया है, और गहरी नींद के बीच जो मन में चलता है वो सपने में साकार हो जाता है। और मरीजी एक सपना देख रहा है, मरीजी एक प्यासा बन गया है, मरीजी रेगिस्तान में प्यास लगी है, भयंकर प्यास लगी है। और जैसा जैसा प्रभु ने कहा वैसा वैसा ही सब फील कर रहा हूं, वैसा ही महसूस कर रहा है। और उस एहसास में पसीने पसीने से तर बतर होकर के उठ करके बैठ गया। देखा कहां धूप कहां रेगिस्तान, कहां धूप कहां रेगिस्तान, कुछ भी नहीं, ये तो केवल मेरा मन का खेल था। लेकिन मरीची उसके आगे कदम उठाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था, सिचुएशन की मेंटेलिटी, सोचना हम निर्णय किस आधार पर करते हैं। सिचुएशन के आधार पर निर्णय करोगे तो समय के लेकर के कभी बैठ नहीं पाओगे। धर्म करने की सिचुएशन कभी होती ही नहीं है, क्षमा करने की सिचुएशन कभी होती ही नहीं है। ये आपकी मेंटेलिटी, इसलिए आप समय कर रहे हो। ये आपकी मेंटेलिटी, इसलिए आप व्याख्यान में आए हो। ये आपकी मेंटेलिटी, इसलिए आप नगर और नासिक से यहां पहुंचे हो। ये आपकी मेंटेलिटी, इसलिए जोधपुर और इंदौर से यहां पहुंचे हो। कोई सिचुएशन थोड़ी है। और सिचुएशन के विषय में तो रोज पेपर में पढ़ता हूं कि ट्रेनें कितनी लेट चल रही है। लेकिन ट्रेन लेट चलती है इसलिए हमारे आने वाले ट्रेनर ने बिफोर की टिकट ले ली है कि एक दिन पहले पहुंच जाए। ये निर्णय सिचुएशन के आधार पर जब निर्णय होते हैं तो लोग घरों में ही बैठे रहते हैं। मरीजी इस सपने में से उठ करके बैठा है और देख रहा है कि सपने में प्यास लगी, यह हालत हो गई। और प्रभु ने कहा ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ऐसा कभी ना कभी तो होगा। प्रभु ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा, और ऐसा होगा तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरी तो मंजिल है तीर्थंकर बनने की,
और वहां से एक एक्सक्यूज जन्म है। ये तो परमात्मा ने साधु के लिए कहा। किसके लिए कहा? साधु के लिए कहा, जिनको तुरंत मोक्ष में जाना उनके लिए कहा। अपने को तो तीर्थंकर बनना है, अपने को तीर्थंकर बनना है, इसलिए अपने को यह रास्ता जरूरी नहीं। अपना रास्ता कौन सा है? तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति कर। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तीर्थंकर भक्ति में ऐसा संकट आएगा। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तीर्थंकर के भक्ति करते तो ये प्यास लगेगी और पानी नहीं मिलेगा। परमात्मा ने एक ही कहा कि तीर्थंकर की भक्ति करेगा तो जब भी प्यास लगेगी अमृत मिलेगा, जब भी भूख लगेगा तुझे अमृत मिलेगा, जब भी धूप लगेगी तुझे छांव मिलेगी। तीर्थंकर की भक्ति करेगा तो तेरे जीवन में तूफान नहीं आएंगे। और ये साधु के जीवन में तो तूफान ही तूफान है, ये साधु के जीवन में तो तूफान ही तूफान है। और अपना रास्ता तो तीर्थंकर भक्ति का है। किसका रास्ता है? कौन सोच रहा? तुम मत सोचना। सोचना पड़ेगा तो फिर वहां जाकर दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा। मरीजी सोच रहा क्या? अपना रास्ता तो तीर्थंकर भक्ति का है। उसके लिए साधु जीवन की मर्यादाओं को अपने को आवश्यकता। प्रभु ने कहा ही नहीं कि तीर्थंकर भक्ति के लिए साधु बनना जरूरी है। और आप भी सुन चुके हो, श्री कृष्ण वासुदेव है, राजा श्रेणी है, सुपार्श्व है, ये सारे बिना श्रावक बने ही तीर्थंकर बनेंगे, बिना श्रावक बने। तो मरीचि ने सोचा नहीं, अपने को तो परमात्मा की भक्ति करनी है। एक बार ये सरक गई फिर सब खिसक गया, इसलिए इसको मत खिसकने दो। ये खिसका कि पांव फिसला। आप पांव को संभालना कि दिमाग को संभालना? किसको संभालते हैं आप? बोलते रहो अच्छा लगेगा। हाँ, कौन कौन दिमाग को संभालता है? कौन कौन दिमाग को संभालता है? कब कब आपने दिमाग को संभाला है? कभी संभाला है? अरे चलना पांवों से सिखाया कि दिमाग से चलना सिखाया? जब बच्चों को तुमने चलना सिखाया तो उसके पांवों को ट्रेनिंग दी, उसके दिमाग को ट्रेनिंग दी? सिखाया नहीं सिखाया? किसको सिखाया? पांव को सिखाया, दिमाग को सिखाया? जब उसको बोलना सिखाया तो उसकी जुबान को ट्रेन किया कि उसके दिमाग को ट्रेन किया? मैं पूछ रहा हूँ, बोलने जो किया वही पूछ रहा हूँ आपको। सारे माँ बाप जुबान को ट्रेनिंग देते हैं, सारे माँ बाप पाँव को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए वो चलना तो सीख जाता है लेकिन कौन सी राह पर चलना वो नहीं सीखता। बोलना तो सीख जाता है लेकिन कब बोलना, कैसे बोलना, ये सीखते सीखते जिंदगी निकल जाती है। तो ट्रेनिंग किसको देनी चाहिए? आप किसको देते हो? मुपत्ति कैसे बांधनी, आपकी ट्रेनिंग क्या है? मुपत्ति कैसे बांधनी, सामयिक में मन को कैसे रखना, ट्रेनिंग कब ली? आसन कैसे बिछाना, इसकी ट्रेनिंग ले ली? लेकिन बिछे हुए आसन पर बैठना कैसे? आपके 32 दोषों में आसन बिछाने का दोष है कि काया का दोष है? उसकी ट्रेनिंग दी क्या कि सामयिक में बैठने के बाद काया दुष्ट नहीं बने, सामयिक में बैठने के बाद मन दुष्ट नहीं बने, सामयिक में बैठने के बाद वाचन दुष्ट नहीं बने, उसकी ट्रेनिंग ली क्या? मुपत्ति तो बन जाती है, मन नहीं बनता है। तो ट्रेनिंग किसकी देनी चाहिए? डर लग रहा है बोलने में, दो ट्रेनिंग। मरीचि का मन नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं साधु बनना है,
मेरा लक्ष्य है तीर्थंकर बनना, और उसके लिए रास्ता कौन सा है? तीर्थंकर भक्ति का रास्ता है। मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना, और जिस रास्ते पर नहीं चलना उसका यूनिफॉर्म नहीं पहनना। मैंने आपको कंटिन्यू मैंने कहा है, वापस एक बार याद करो कि परमात्मा के शासन का चिन्ह है शेर। क्या है? शियार नहीं है। पाखंड कौन करता है? शियार। चलाक कौन होता है? हेलो, शेर। शेर को कभी किसी ने चलाक कहा है? धूर्त और पाखंड कोई कर सकता तो शियार ही कर सकता है। महावीर के पूरे शासन में पाखंड के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहां शियार का काम ही नहीं, या काम तो केवल शेर का ही है। और मरीचि ने जैसे ही सोचा कि नहीं, मैं जिसका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता हूं उसका यूनिफॉर्म मुझे रखने की अधिकार नहीं है। जिस कानून को मैं नहीं पाल सकता हूं उसके अधिकार मुझे लेने का राइट नहीं है। और पटापट ये उसके तो क्या, इधर डिसीजन उधर इंप्लीमेंटेशन। और दूसरे दिन लोगों ने एक ताजुब देखा, मरीजी है ही नहीं वहां पर, मरीजी गायब, मरीजी कड़ा का है, मरीची निकल गया संघ से, साधु संघ से मरीची निकल गया और सीधा जाकर के प्रभु के पास आने वाला जो दरवाजा है गेट, गेटमैन बन गया। क्या बन गया? जहां से प्रभु नजर आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।